नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत जरूरी ये हो गया आज बताना कि इस बार जो सूतक के साथ दीपावली में सूर्य ग्रहण का जहां एक तरफ कुछ लाभ देने जा रहा, वहीं अगर आपने कुछ गलतियां कर दी तो 100% आपको बड़ी दुर्घटना दे देगा। वो चाहे आपका हाथ पांव तोड़ा दे, या पुराना केस कोई चल रहा उसमें फंसवा देगा, या विवाद करवा देगा, जेल पहुंचा देगा, या घर में कोई बड़ा षड्यंत्र रच कर आपके लिए बड़ी हानि हो सकती है। कहने का तात्पर्य है, अगर आपने अगर दो दिन ध्यान रखना, दो तीन दिन, बल्कि आप तीन दिन कर लीजिए, 24, 25, 26 कि रात में, विशेषकर 24 और 25 को तो ध्यान रखना, अक्टूबर को क्या नहीं करना है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए। चंद्र ग्रहण का महत्व अलग होता है, सूर्य ग्रहण का महत्व अलग होता है। अब सूर्य ग्रहण का सूतक भी चालू हो जाएगा और हमारा दीपावली धनतेरस का भी कार्यक्रम चालू हो जाएगा, तो ये दो तांत्रिकों के लिए तो महायोग बन रहा है। लेकिन अगर ऐसे में आप कुछ गलतियां कपड़ों को लेकर करते हैं तो यकीन मानिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो बताने जा रहा हूं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, वो कि अभी जैसे हमारे पास सुबह कुछ फोन आए कि गुरुजी आप से आज वार्ता करूंगा, हमने कहा संडे, आज मेरी बात होती नहीं। देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, माताएं बहनें, पिता तुल बुजुर्गों, सभी को मेरा प्रणाम। हमारा संडे को छुट्टी रहता है, बाकी दिन हमारे यहाँ दो कालर हैं जो बैठते हैं यहाँ पर, वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात हम तक पहुँचाते हैं। निदान वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ ये है कि आपकी बातों को बड़े सहनशीलता के साथ सुनते हैं और रजिस्टर में लिखते हैं, फिर हम तक पहुँचाते हैं। मैं उनका उपाय बताता हूं, वो आप तक पहुंचाते हैं। तो कुछ तो समय लगता ही, आप चाहते हैं कि इधर मैं तुरंत फोन करूं, तुरंत वो रिप्लाई मिल जाए, तो कंप्यूटर या कोई डाटा सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि इधर डाला उधर जन्म पत्र निकल आई। तो आप जब कॉल करें थोड़ा सा समय दिया करें, क्योंकि आपकी कॉल के बाद जब वो पर्ची लिख के हमारे पास आती, हम निकाल के देख के तब उनको हम फिर भेजते हैं, उसी आधार पर जब आप दोबारा कॉल करते हैं 20 से 25 मिनट बाद, तब आपको बताया जाता है। चूंकि हमारे कॉलर हैं व्याकरण से, हिंदी से पढ़े लिखे हैं और हमारे साथ रह रहे हैं, कोई तांत्रिक मंत्र के यांत्रिक नहीं है वो, न जादू टोना वाले हैं, न कोई ज्योतिषाचार हैं, वो आपकी बातों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी बातों को सुनेंगे, वो हम तक पहुंचाएंगे, आपको हम उपचार बता देते तो वो आपको देते हैं। अब आप उन्हीं से कहने लगते हो कि इसको कैसे करें, वो कहाँ से बता देंगे बेचारे, इसलिए परेशान हो जाते हैं, जोर से बोलते हैं, वो कैसे बता देंगे, क्योंकि बता तभी पाएंगे ना जब उनको चीज का ज्ञान हो, तभी तो बताएंगे। जब वो मेरे पास दे देते हैं, मैं अच्छे तरीके देखता सुनता हूँ, तब उनको देता हूँ कि हाँ ये इन्होंने ये पूछा था, उनको ये बता देना, ये उपाय वो, तब आपको बताते हैं। कहने का मतलब है कि आप परेशान मत हुआ करें, मैं बैठा हूँ, थोड़ा दिन और इंतजार करो, बहुत बड़ा यहाँ पर दरबार लगने जा रहा है, निःशुल्क वहीं आइए, भोजन करिए निःशुल्क, समस्या अपनी सुनाइए निःशुल्क, पूजा करवाइए निःशुल्क, इसका भी कार्यक्रम करने जा रहा है, ठीक है। और हमारे कोई भी, देखिए अगर कॉलर पे बैठे विकास जी हैं, विकास जी से आप कोई बात बताइए, ये हमको बड़े आराम से, विकास जी से आप लोगों को कभी शिकायत हुई, आप कमेंट बताइएगा कि हमारे दो कॉलर ने किस नंबर पे सबसे ज्यादा आपको अच्छी सेवा मिली है, ये बताइएगा, और किस नंबर पे आपको अच्छी सेवा नहीं मिली वो नंबर बताइएगा, तो मैं अपनी लाइन पे कोई समझौता नहीं करूंगा, अगर वो तुरंत मैं डिलीट करवा दूंगा,
उस काल पे रहने वाला व्यक्ति अगर काल आपसे ढंग से नहीं बात करता, ढंग से आपसे रिस्पेक्ट नहीं करता, तो मैं तत्काल हटा दूंगा। तो चलिए बताते हैं वो क्या है। देखिए, ब्राउन भूरे कलर का कपड़ा भूलकर हमारी माताएं बच्चे और नौजवान बुजुर्ग कोई ना पहने, उस दिन ध्यान रखना, उस दिन आपको ब्लैक भी नहीं धारण करना है, छिट्टेदार छीटदार, इसमें छीट पड़ी वो भी नहीं करना, कुछ ऐसा जो ब्राइटनेस लिए हो, चमकीला सा, ऐसा सिंपल सा, एक रंग का, चेक, बहुत ज्यादा चेकदार नहीं पहनना, प्लेन कपड़ा पहने, लाल, गुलाबी, पीला, हल्का ब्लू, इस टाइप का ग्रीन पहने। विशेषकर है कि आप ब्राउन चित्तीदार छीटेदार बिल्कुल ना पहनना, बाकी चाहे जो कुछ पहनना। सेकंड नंबर पे काला मत पहनना। मेरे भाई, अगर नहीं विश्वास है तो जानबूझकर आप एक बार पहन लीजिए और एक हफ्ते के अंदर हमको बताना कमेंट में कि क्या हुआ। मस्ती में तो अलग बात है, आप कुछ बोल दें, लेकिन यह चीजें मैं सिर्फ हाथ जोड़कर निवेदन करूं, मत पहनिएगा, क्योंकि आप लोग अपने हैं, अपने परिवार के हैं। मुझे पीड़ा होगी हमारे परिवार का कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, अगर किसी को कोई दुर्घटना हो गई, कोई हानि होगी, तो मुझे पीड़ा होगी। तो दीपावली की रात को हम क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़े नहीं पहनेंगे। और अच्छे काम क्या करेंगे, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई लाचार व्यक्ति हो, उस दिन हम उसको मिठाई, कुछ अच्छी चीजें, कुछ पटाखे, कुछ वस्त्र हम जरूर दान देंगे, जिससे उसकी मुस्कुराहट और गुड एनर्जी, उसका आशीर्वाद हमारे हमारे परिवार को लगे। करेंगे ना सभी लोग? और क्या, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमारा कहना मानेंगे। और अपने घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ रखें, उस पर पंचमुखी दीपक जलाना, 5 सिक्के डालकर, कोई भी थोड़ा सा केसर 5 सिक्के और इलायची और थोड़े पुष्प डाल के पंचमुखी दीपक घी का जलाइएगा। ये निवेदन है। जय श्री राम।